हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। रिसेंटली मैं न्यू दिल्ली गया था ट्रायल देने के लिए। BBFS जो बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसका एक ट्रायल था गौर सिटी में। ये वो फोटो है जिसमें सारी डिटेल्स गिवन थी। तो मैंने जलंधर से दिल्ली गया था ट्रायल देने के लिए। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ शो करूँगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा ट्रैवलिंग का और वहाँ पर किस तरह से क्या ट्रायल हुए और कैसे उन्होंने मैनेज किया। तो लेट्स गो। मैंने जलंधर से ट्रेन पकड़ी थी अराउंड रात के 11 बजे। आई थिंक होशियार दिल्ली स्पेशल ट्रेन का नाम था और उसने मुझे अराउंड सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद हमने मेट्रो स्टेशन पकड़ी, फिर वहां से हम अपने रिलेटिव के घर गए। एक्चुअली हमारे रिलेटिव का घर वेन्यू के थोड़ा क्लोज ही था, तो इसलिए हमने थोड़ा 1-2 घंटे वहाँ स्टे किया। और मेरे ट्रायल की टाइमिंग थी अराउंड 3 बजे, जो मेरा कैटेगरी थी अंडर 21, तो उसके 3 बजे ट्रायल की टाइमिंग थी। तो मैं अराउंड अपने रिलेटिव के घर 10 बजे पहुंच गया था और फिर उसके बाद वहाँ पर 1-2 घंटे रिलैक्स करके हम वहाँ से 1-2 बजे निकल गए थे वेन्यू के लिए। वेन्यू हमारा था गौर सिटी स्टेडियम। मैं अपने वेन्यू पर अराउंड 2:30 बजे पहुंच गया था और वहाँ पर हमने 3 बजे इवेंट शुरू होना था अपना ट्रायल का। तो उन्होंने 1/2 घंटा लगा रजिस्ट्रेशन में। तो वहाँ पर जितने बच्चे थे उन सबके नाम और वो फ़ोन नंबर और सिटी लिख लिए कहाँ से आए हैं, और उनको एक नंबर असाइन कर दिया कि आपका नंबर 78 है 79 है। जो मेरा नंबर था वो था 78 और वहाँ पर अराउंड 200-300 बच्चे आए हुए थे। तो फिर उनको एक जगह भेज दिया और जिस भी पोजिशन पर वो खेलते हैं फुटबॉल में, जो भी उनकी पोजिशन है विंग मिडफील्ड डिफेंस, उनको ऐसे कैटेगराइज कर दिया और हर एक बच्चे को किसी टीम में डाल दिया। मैच 1 मैच 2 ऐसे करके 3-4 मैच बना दिए। अब जिसका जौन सा मैच होता है वो उस मैच में परफॉर्म करेगा। और जितने भी रिक्रूटर्स थे और जो BBFS की तरफ से आए थे प्लेयर को लेने के लिए, वो साइड में खड़े होकर जज कर रहे थे। तो ये था वहाँ का पूरा सीन। और अगर आप मुझे वीडियो में देखना चाहते हो तो ये जिसने येलो सॉक्स पहन रखी है, नियॉन येलो कलर की और वाइट कलर की टी शर्ट है ऊपर, तो वो मैं हूँ। जो हमारा मैच था वो था अराउंड 35-40 मिनट्स का और बीच में कोई हाफ नहीं था। और जो मैच खत्म होने के बाद उन्होंने सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया हमारे मैच के, और जिनको चूज़ करना था उन्होंने चूज़ कर लिया और फिर बाकियों को भेज दिया। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें क्योंकि मैंने तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन जब मैच खत्म हुआ और मैं जाने लगा तो मैंने नोटिस किया कि कुछ बच्चे वापस आ रहे हैं। तो मतलब कुछ बच्चे मुझे याद थे कि जिनका सिलेक्शन वगैरह हुआ, तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब क्या हुआ। तो फिर वो कहते हैं तो फिर उन्होंने बताया कि हमको यहाँ पर अराउंड 1-2 हफ्ता वहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा, रोज़ शाम को आना पड़ेगा खेलने के लिए, तो वहाँ पर जाके असली सिलेक्शन होगी। तो वही है, जनरली इन केस में ये होता है कि ये लोग पहले बेसिक प्लेयर को चूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में उनसे लाइक 1-2 हफ्ते का अराउंड 14 डेज़ का कैंप लगता है, जिसमें से वो रियल सिलेक्शन करते हैं कि उनको कौन सा प्लेयर रखना है और कौन सा प्लेयर नहीं रखना। ये सारा था सिलेक्शन प्रोसेस। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस जलंधर के लिए निकल गए, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से फिर ट्रेन के थ्रू वापस जलंधर। तो ये था पूरा प्रोसीजर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा BBFS के ट्रायल में। और एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो भी कमेंट या डाउट है वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। या फिर अगर कुछ बड़ा आंसर या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हुआ तो मैं उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा। चैनल को चेकआउट ज़रूर करना, मैं सारे ट्यूटोरियल्स ट्रिक्स वगैरह एनालिसिस वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। सो डू चेक आउट द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।